आईपीएल में लगातार सबसे अधिक मैच जीतने वाली टॉप 4 टीमें। आईपीएल का 13वां सीजन यूएई की सरजमी पर 19 सितंबर से शुरू होगा। टी20 फॉर्मेट में कमजोर से कमजोर टीम भी अपने अच्छे दिन में बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है। इसके बावजूद आईपीएल में कुछ टीमें ऐसी हैं जिसने आईपीएल में कई मौकों पर लगातार काफी मैच जीते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल में लगातार सबसे अधिक मैच जीतने वाली टॉप 4 टीमों के बारे में बताएंगे। ये जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे लेटेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, राजस्थान रॉयल्स। शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला खिताब अपने नाम किया है। हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले इस टीम को सभी हल्के में आंक रहे थे, लेकिन पूरी टीम ने एकजुट होकर शानदार प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम किया। इस सीजन में राजस्थान की टीम ने सीजन के आखिरी 6 लगातार मुकाबले जीते थे। नंबर 3, चेन्नई सुपर किंग्स। एमएस धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स सबसे अधिक 7 बार आईपीएल फाइनल खेली है। हालांकि टीम को 3 बार फाइनल में जीत मिली है जबकि 4 बार हार झेलनी पड़ी है। 2013 सीजन में चेन्नई की टीम ने लगातार 7 मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन मुंबई इंडियंस के विरुद्ध खिताबी मुकाबले में हार गई थी। नंबर 2, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 3 बार आईपीएल में जगह बना चुकी है। हालांकि दुर्भाग्यवश तीनों ही मौकों पर टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। 2011 आईपीएल सीजन में आरसीबी की टीम ने लगातार 7 मुकाबले जीतकर दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया था, लेकिन फाइनल में चेन्नई के विरुद्ध हार मिली थी। नंबर 1, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2014 में बेहद खराब शुरुआत की थी और टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 6 में से 5 मैच जीतने थे, लेकिन कोलकाता ने सभी मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाई और फिर लगातार 3 नॉकआउट मुकाबले जीतकर ट्रॉफी जीती थी। इस दौरान 2014 सीजन में कोलकाता ने लगातार 9 मुकाबले जीते थे। 2 आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।